Alright, so in this episode of Gareeb-Akbar, we will talk about what is a crime of honey trap. Yes, तो ये काफ़ी interesting topic है और very serious भी. आजकल trending में है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और काफ़ी लोगों के साथ ये वाला crime conduct भी हुआ होगा. मैं ये नहीं कह रहा सारे लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा जो जिन्हें पता है, जिन पे बीती है. लेकिन अगर आपको नहीं पता है ये क्या होता है तो let's start it. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है हनी ट्रैप वाला क्राइम, इससे बचने के लिए कुछ टिप्स और कुछ लाइव एग्जांपल हनी ट्रैप के, जिससे कि आपको बेटर क्लियर हो. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. जस्ट अ यंग गन विद द क्विक फ्यूज, आई वाज अपटाइट, वांटा लेट लूज, आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांटा लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्राइम का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर कोई क्राइम किसी चीज़ में डिफाइन नहीं है. ये एक रेडीमेड क्राइम है, यानी कि बनाया हुआ क्राइम है और उसको नाम दे दिया है हनी ट्रैप. तो हम हनी ट्रैप का कंसेप्ट समझते हैं. तो इस चीज़ को दो शब्दों से बना है. हनी, हनी मीन्स होता है मीठा. गॉट इट? मीठा हनी. ट्रैप मीन होता है जाल. तो मीठी मीठी बातें करके किसी को जाल में फंसाना, उसी को हम हनी ट्रैप वाला क्राइम बोलते हैं. तो मैं इसकी आपको एक लाइव वीडियो दिखाता हूँ कि लोग कैसे किसी को अपनी मीठी बातों में लाते हैं. फिर हम बात करेंगे इसकी लेवल की, कैसे बचा जाए. सो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो. कहाँ पर? नहीं ना, बात सुनो, मेरे पास जगह है, अगर आपको आना है तो आ जाओ. इसी के साथ आज शकील के साथ. हाँ, आप उसी के साथ आ जाओ ना, मैं बहुत परेशान हो रही थी. मैंने कहा चलो सही, कोई ना कोई तो हो ना मेरे साथ. मेरे साथ मेरी कजन भी है, ये लो बात करो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. भाई कैसे हो? ठीक हो? तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है. मेरी माँ भी मेरे साथ आई है, कहती बात करवा दो. मैंने कहा हाँ, ये लो कर दो, ये लो बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. बेटा कैसे हो? ठीक हो? हाँ, मैंने सुना कि तुम रिश्ता कर रहे हो. ये मेरी पोटी से, उसने आपको देखा है, कह रहे बहुत अच्छा इंसान है. अच्छा, करोगे ना शादी उससे? कहीं छोड़ तो ना दोगे? नहीं नहीं, कहीं छोड़ तो ना देंगे? ये लो अपनी मेहबूदा से बात करो. हेलो, हाँ क्या बोल रही थी मेरी पप्पू? हाँ, शादी तो कर लो ना, मैं तो तैयार हूँ ना शादी करने के लिए. ऑलराइट, सो आपने देखा कि एक पर्सन कैसे किसी को पागल बना रहा है, यानी कि एक पर्सन लड़की की आवाज़ में किसी पर्सन को बेवकूफ बना रहा है और वो लड़का बेवकूफ भी बन रहा है. नोट इट. ये तो हो गई एक जनरल सी बात, ये छोटा लेवल का हनी ट्रैप हो गया. तो मैं आपको कुछ बड़े हनी ट्रैप के एग्जांपल्स देता हूँ, यानी कि सुनाता हूँ, बताता हूँ. तो जनरली क्या होता है कि इनकी एक टीम होती है, यानी कि उन टीम में कुछ लड़के होते हैं और कुछ लड़कियाँ होती हैं. तो वो बड़ी सातिराना से किसी को फंसाते हैं, यानी कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी फंसा सकते हैं. नोट इट. और वैसे भी फंसा सकते हैं. अब तो होता क्या है, लड़की क्या करती है, उनसे जाके फ्रेंडशिप करती है और धीरे धीरे उनसे अपना रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो जिस दिन वो पार्टी फंस जाती है, उसे कहीं पे बुला के, यानी कि लड़की उन्हें बुलाती है. नॉट इट? आर यू गेटिंग? कहाँ पर बुलाती है? जो भी मतलब फिजिकल रिलेशंस के लिए ऑफर दिया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है. तो जैसे ही उस पर्सन को बुलाया जाता है, तो उसके कुछ साथी होते हैं, उस लड़की के कुछ पार्टनर्स होते हैं उस क्राइम में शामिल. वो क्या करते हैं, उस पर्सन को पकड़ के उससे सारा सामान छीन लेते हैं, उसका जो भी उसका कीमती सामान है, प्रीशियस, उसको छीन लेते हैं और उसकी कोई वीडियो बना लेते हैं अश्लील हालत में. गॉट इट?
तो उस वीडियो को वायरल करने के बहाने उन्हें डराते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। गॉट इट? तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस लड़की का, मतलब हर बार आपके सामने हो वो, ये सोशल मीडिया पे भी होता है, यानी कि आपको मैसेज आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर दो, मैं आपके मतलब मीन्स अकाउंट में इतने पैसे डला दो, फिर हम मिलते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट? अंडरग्राउंड वाला हनी ट्रैप भी हो सकता है। गॉट इट? तो जनरली इस क्राइम के जो विक्टिम होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी होता है, या फिर कुछ भी कह लो, उनको ये लोग शिकार बनाते हैं, उनके साथ ऐसा सब कुछ करके उनकी वीडियोस वायरल करने का, उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। गॉट इट? तो इसे बोलते हैं हनी ट्रैप। सो अब हम बात करेंगे कि इस क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि कुछ प्री टिप्स बचने के लिए। पोस्ट हम किसी और दिन बात करेंगे, आज हम प्री टिप्स बात करेंगे कि अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आप कभी भी अननोन पर्सन से ऐसी बातें ना करें, बिजनेस की या पैसे से रिलेटेड कभी भी किसी पर्सन के अकाउंट में आप पैसे ना डलाएं, वो भी तब जब आपने उस पर्सन को देखा ही ना हो। गॉट इट? आपने उसे देखा ही नहीं हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपने कोई डील की है या फिर कुछ ऐसा किया है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि कोई फीमेल है, पैसे के बहाने आपसे कुछ काम कराए या फिर आपको कुछ ऑफर दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी भी आप ऐसी ट्रांजेक्शन ना कराएं। सेकेंड पॉइंट, कभी भी आप मान लो कि आपको कोई बुलाता है, स्पेशली गर्ल्स ऐसे केसेस में, और वो गर्ल अननोन है आपके लिए, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो कभी भी आप अकेले ना जाएं ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि क्या पता उस फीमेल के पार्टनर्स हों उसके साथ और वो आपके साथ ये क्राइम कंडक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप कंप्लेन कराइए, बिल्कुल 420 की आप कंप्लेन करा सकते हो कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या फिर आप साइबर सेल में कंप्लेन करा सकते हो अगर आपकी कोई वीडियो बना ली गई है या फिर पिक ले ली गई है, ऐसा कुछ। गॉट इट? तो इस वीडियो का मॉरल यही है कि कभी भी आप ऐसी हरकतें ना करें या फिर ऐसी क्राइम में ना फंसे जो मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश करें। अगर आप फंस भी गए हैं तो आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, आप FIR लिखाइए, आप कंप्लेन कीजिए। गॉट इट? अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ, यानी कि अगर आपकी कोई अश्लील फ़ोटो क्लिक कर लिया है उन्होंने या उन पार्टी ने, या कोई वीडियो बना लिया है, तो आप साइबर सेल में कंप्लेन कराएं। क्लियर? अगर आपको पता नहीं है साइबर सेल में कैसे कंप्लेन कराते हैं और क्या सीन है, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। So I am going to make more videos. Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Bye.